إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كيسي ميري يوتيوب فاميلي اچھا آج میں ریسپی لے کے آئی ہوں شلگم शलगम बहुत अच्छी सब्जी है इनू वैसे भी कच्चियाँ कट के खाइए सलाद के साथ बहुत अच्छी सब्जी है खून भी माशाल्लाह बहुत बढ़ाती है जिस्म च तो ये अच्छी सब्जी है इनू ठिब्बर भी कहते हैं पंजाबी च ठिब्बर भी कहते हैं हम तो शलगम बोलने हैं लेकिन कोई खाता है कोई नहीं खाता अगर कोई नहीं खाता लेकिन खाना चाहिए बच्चों को देना चाहिए ये रोटी के साथ ही बड़े अच्छे लगते हैं चावलों के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं ये मैं बनाऊंगी चावलों के साथ सादे चावल ते नाल शलगम ठीक है अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेंबर के साथ मेरे चैनल करें लाइक सब्सक्राइब ढेर सारिया अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आप लोगों को जो दुख तकलीफ़ें हैं अल्लाह सब माफ़ कर दे जिसका घर नहीं है अल्लाह ताला उसको घर दे जिसका रिज़क अल्लाह ताला खोल दे आप लोग का सब का रिज़क अल्लाह ताला खोल दे अच्छा ये मैं पहले धो लिया अच्छी तरह अभी मैं इसको छिलूँगी पालक कटिंग करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ ठीक है ओके ठीक है हल्की आँच पे रख देना माशाल्लाह इतने खोए नालों वद मज़े दे बनते हैं इतने मज़े दे बनते हैं ना और चावलों के साथ इतने मज़े के लगते हैं ना ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें ज़रूर अपने घर में बनाएं तो फिर मज़ा आए ठीक है इंशाल्लाह मिलती हूँ बाद में ये देखिए ये हो गई तैयार सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें पालक पालक अच्छी तरह वॉश कर ली मैंने धो लिया उसके बाद जाएगा प्याज लहसुन लहसुन फिर शलगम ये मैं शलगम कटिंग कर ली इधर ये शलगम पानी नहीं इसमें डालना पानी नहीं डालना क्योंकि पानी इसका अपना ही बहुत होता है तो यही नहीं सुकना अगर यही नहीं सुकना पानी पानी बहुत होता है एक चम्मच हल्दी एक चम्मच मिर्च पाउडर मिर्च एक चम्मच दड़ा मिर्च नमक जायके के मुताबिक इसको हिलाना नहीं है इसको टाक के हल्की आंच पे पकन देना ठीक है माशाल्लाह इसका अपने पानी बथेरा चले जी मिलते हैं जी ये देखिए बिस्मिल्लाह कहा था ना पानी नहीं डालना पानी इसमें बहुत ज़्यादा है अभी इसको मिक्स कर देते हैं दूसरे तरह बन जाता है लेकिन इस तरह बहुत मज़ा आता
फल डालें हम डालें। अभी मैं अच्छी तरह इसकी बनाई करूंगी, अभी मैं अच्छी तरह इसकी बनाई करूंगी, बनाई करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यार ये मैं थोड़ा इन्हें डालूंगी इसमें धनिया, थोड़ा इन्हें डालूंगी मैं इसमें जीरा, थोड़ा इन्हें मैं डालूंगी जीरा पाउडर, अगर जीरा पाउडर डालूंगी। अभी मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, मैं दो मिनट के लिए बंद कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू है, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी है, मज़ा तो तुम रह नहीं दोगे, कितना मज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की बनी है, क्या बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करना, और 5 मिनट के अंदर अंदर रेसिपी बनने वाली, अगर ज़रूर ट्राई करना, अगर सब्जी कटिंग की थी हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चूल्हा करने ऑफ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरी छोटी सारी रेसिपी थी, अगर अच्छी लगे शेयर करना अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ, मेरे चैनल करना लाइक सब्सक्राइब, ढेर सारियाँ दुआओं के साथ मुझे दो जायद, अल्लाह ताला हमेशा रहमत साए तले रखे आप लोगों को। ये मैंने राइट ज़ीरा राइट बनाए थे, मैंने इसकी रेसिपी मैंने दी है आप लोगों को, तो अगर कहती हो तो फिर बना दूँगी। तो ये शलगम, इसे ठिब्बर भी कहते हैं, इसे शलगम भी कहते हैं, बनाएं 5 मिनट के अंदर अंदर और खाएं, माशाल्लाह बहुत मज़े, और रोटी के साथ भी खाते जाते हैं और चावला के साथ भी बहुत मज़ा आता है, और क्या बहुत मज़ा आता है, जितना मर्जी ट्राई कर लें। Hey you, yeah you, do you like this video? There is a button, it says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me.